रामनवमी को सौहार्द व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर शनिवार को डुमरी SDM प्रेमलता मुर्मू, SDPO मनोज कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर आदिकांत महतो, डुमरी थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा, निमियाघाट थाना प्रभारी साधन कुमार व काफी संख्या में जैप के जवानों ने संयुक्त रूप से डुमरी अनुमंडल के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों द्वारा लोगों से शांति व सौहार्द के साथ रामनवमी मनाने की अपील की गई। मौके पर कहा गया कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए रामनवमी पर्व मनाएं एवं समाज में भाईचारे का संदेश दें। शांतिपूर्वक मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं और बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में इस त्यौहार को संपन्न कराएं। आज निकाला जा रहा है और सारे अखाड़े और जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं उनको हम लोग SDMM और हम लोग सारी टीम जो है जाके मैन टू मैन हर एक अखाड़ा में जो भी प्रॉब्लम है उसको ही करेंगे और सबको एक अवगत कराएंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो निर्देश है सरकार का उसको अनुपालन कराते हुए उसको पर्व को सही तरीके से।